का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भगर के आटा और आलू और साबूदाना के मिला के टिक्की। कम तेल का, हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल को अवॉइड करेंगे, कम तेल की हम टिक्की बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए, 9 दिन के उपवास के लिए मैं बना रही हूँ, तो आप एक एक चीज़ बनाइए, खाइए और देखिए मैं क्या क्या वो करती हूँ। तो हम बनाएंगे अब टिक्की। टिक्की को कम तेल में, कम घी में ऐसे हम सेक के बनाते हैं। बड़ा में तो बहुत वो लग, साबूदाने के बड़े में तो बहुत तेल लगता है, तो हमें कम घी तेल का यूज़ करके बनाना है। 9 दिन व्रत वालों को कम घी तेल ही खाना चाहिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं टिक्की। के लिए हमने लिया है साबूदाना, इसको हमने रात में भिगा दिया था, वो अच्छे से भीग गया है। और थोड़ा सा हमने लिया है ये भगर चावल को पीस लिया है, आधा कटोरी चावल को हमने पीस लिया है। तो ये भगर का चावल, ये ऐसे पैकेट में मिलता है और ऐसा बारीक बारीक दाना होता है भगर का। ये पैकेट हम नहीं खोले हैं, मेरे पास था, तो एक कप हमने पीस के रख लिया है। और उसमें हम डालेंगे जीरा, कच्चा जीरा, और ये है काली मिर्च का पाउडर, घर का पिसा काली मिर्च है। 2 आलू लिए हैं हम, आलू आप अपने टेस्ट के अनुसार कितना भी ले सकती हैं। 2 आलू को उबाल के हम रख लिए हैं। ये हरी धनिया डालूंगी और इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स और उपवास का नमक डालूंगी। तो चलिए अब मैं बना के आपको दिखा। इसमें हम किस लेंगे, इसको किसने से इसमें वो नहीं पड़ेगा, गुठलियाँ नहीं रहेंगी, गुठली छोटी छोटी, और बहुत अच्छे से ये हमें पेस्ट बनाने में, मतलब इसका डो बनाने में सहूलियत रहेगा। अब हम एक मिर्च को बारीक बारीक काटे, भगर का आटा है, इसको मैं डालूंगी 2 चम्मच में डाली हुई, इसी चम्मच डालूंगी इसमें ये साबूदाना भीगा हुआ 2 बड़े भर के। काली मिर्च का पाउडर, घर का पिसा है तो बहुत तेज है तो कम डालना है इसे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, नमक टू द टेस्ट होगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। हरी मिर्च को हम काट के डालेंगे इसमें, जीरा पाउडर भी मैं डालूंगी थोड़ा सा, थोड़ा अमचूर पाउडर जो कि मैं दिखाना भूल गई, सॉरी, उसके लिए कच्चा जीरा पिसा हुआ है, ये टेस्ट के लिए डालेंगे थोड़ा सा, डालूंगी ये। और आप यदि खाते हो तो डालिए अमचूर पाउडर, अन्यथा इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाथ से मैंने हाथ को अच्छे से धो लिया है, हैंड वॉश अच्छे से करके फिर हम इसको अच्छे से करेंगे मैश। इसका डो बन के तैयार हो गया, अब हम इसको थोड़ी देर रख देते हैं और तब तक तवा हम गर्म करने रखते हैं और उसमें हम घी लगा के इसको रखेंगे। फिर इसको हमने तेल से ग्रीस कर दिया है, हमने इसको कर दिया है ग्रीस कर दिया है। अब थोड़ा सा हम घी लगाएंगे हाथ में और इसको ये लेंगे जब तक हमारा तवा वो हो रहा है, थोड़ा सा घी लगाना ही पड़ेगा हाथ में, और इसको ऐसे रखते जाएंगे, इसे हम डालते जाएंगे इसमें ताकि ये करारी सीख जाए टिक्की जो है। थोड़ा सा तो घी लगेगा ही, दिया है और इसको अच्छे से करारी हमें सेकना है, प्याज में ही सेकना है थोड़ा सा, सुनहरा होते तक आपको सेकना है। देखिए इसको पलट पलट के ही सेकना है, 2-3 बार ही पलटना पड़ेगा इसको। देखिए इसको उलट पलट के ही सेकना है हमको, जब तक ये एकदम ब्राउन ना हो जाए। देखिए ब्राउन हो गया है, दोनों तरफ से ही ब्राउन हो गया है, अंदर से अच्छा पक गया है मेरा ये। अब हम थोड़ी देर बाद और इसको फिर डिश आउट करेंगे। ये मेरा अच्छे से पक गया, अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। मेरी उपवास की टिक्की बन के तैयार हो गई है। कुट्टू का आटा है इसमें, आलू है इसमें, और ये है ये भगर आटा है, आलू है और साबूदाना है, हरी मिर्च है, और सदा है हमने ये हरी चटनी भी उपवास की है, पुदीना हरी धनिया की चटनी है, इसको भी आप बना सकते हैं। और ये आम की चटनी को भी हमने उपवास के हिसाब से बनाया है, तो दोनों चटनी के साथ इसको खाइए, बनाइए। और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में
शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।